हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद, अ चिप लेवल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ISO 9001 टू 2015। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। ये क्या है, कौन सा एसी है? लाइटिंग एसी। लाइट का एसी, कितने वॉल है ये? 12 वॉल। 12 वॉल। नाम बोल सकते हो एसी का? लाइटिंग एसी सर। लाइट का एसी D8। कौन सा है? D8। अच्छा बना है, एक ही बना है? अच्छा, वेरी गुड। इनके लिए एक जोरदार क्लैप्स। ये रात में मेहनत करे एक्स्ट्रा। आप लोग बाकी के? जी सर। हाँ बताओ, कहाँ है? Note 6 Pro। Note 6 Pro का बनाए? जी सर। ठीक है, लाइन खाली कॉपी कर लिए कि समझ के बनाए? हाँ, Note 5 Pro का भी। हाँ, Note 5 Pro का भी बनाए। देखो ये डबल मेहनत करे। इनके लिए एक जोरदार क्लैप्स। ज्ञान प्रकाश के लिए फेयर नोट्स बताओ, जो बनाए फेयर नोट्स। Redmi 7A। समझ में आया ये? कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं, कोई कंफ्यूजन। मॉडल आए तो बना सकते हैं। अब ये कोई भी, ये तो एक हो गया, दूसरे लाइट के प्रॉब्लम है, बना सकते हैं? हाँ, बना सकते। ठीक है, चलो वेरी गुड। आप लोग भाई इधर, फेयर नोट्स कौन सा एसी बनाए? D8 का बनाए। ठीक है, क्या मॉडल से निकाले? MI Note 8A। अच्छा ठीक है, समझ में आ रहा। हाथ से बनाए तो ज्यादा समझ में आया होगा। अभी एक बार इनके लिए क्लास अच्छा बनाया। ये भी बताओ भाई, तुम क्या बनाए? रात में जाके मेहनत नहीं करे मतलब? ये परसों का है ये? हाँ, परसों का। डेली बताएगा क्या तू? ये एक बार इसको क्लैप्स करो भाई। ये भी अच्छा बनाया, वेरी गुड। आप ये देखो, ये भी बहुत प्यारा बनाया, शाबाश, अच्छा बनाए। और क्या बनाए भाई? चार्जिंग का भी बनाए। और वेरी गुड, इनके लिए क्लैप्स एक बार। ये ऐसा ऐसा डेली बनाना है आप, वेरी गुड। देखो जबरदस्त, एक बार इनके लिए क्लैप्स। सादेक के लिए, सादेक अच्छा बनाए, वेरी गुड। सादेक ये आप सोल्यूशन भी लिखे साइड में, जैसा मैं देख पा रहा हूँ। समझ में आ रहा है? समझ के ही लिखा सर। कॉपी तो नहीं कर लिया कहीं से? अभी मालूम होना है सर मुझे क्या है। एक एक बॉल के अंदर का डिफिनेशन मालूम हुआ? हाँ, मालूम है। चलो वेरी गुड, अच्छा बनाए। कहाँ से है आप? चित्तूर डिस्ट्रिक्ट। पहले ये समझ में आता था या डायग्राम? अभी समझ में आ रहा? आप तो फ्रेशर ही है ना? फ्रेशर है, पहले कभी काम नहीं किए। डायग्राम में से देख के बनाए ना ये? हार्डवेयर सोल्यूशन तो कॉपी नहीं करे? हाँ, हार्डवेयर सोल्यूशन तो नहीं खोले होंगे? वेरी गुड, एक बार क्लैप्स इनके लिए जोरदार। बताओ भाई जावेद, क्या बनाए? लाइट चार्जिंग का बनाए। और ठीक है, आप कहाँ से? कर्नाटका से। ये डायग्राम जो बनाए ये कॉपी करे? नहीं सर। एक एक लाइन के बारे में बता सकते हैं? जी सर। समझ में आ रहा? हाँ, पहले कभी करते थे क्या ऐसा डायग्राम का? अभी समझ में आ रहा डायग्राम? इनके लिए भी एक बार क्लैप्स। आपका आपका तुम तो नहीं है। ये क्या मॉडल है? ये A5 का मॉडल है। ग्राफिक सेक्शन देख रहे अपन, ठीक है? ठीक है, तो ग्राफिक सेक्शन देख रहे हैं। कनेक्टर पे सबसे पहले क्या देखेंगे? कनेक्टर पे ये कॉइल देखना सर, ड्यूल का। ड्यूल कॉइल्स चेक करेंगे, कूल टेस्टिंग करेंगे। कूल टेस्टिंग में कॉइल्स चेक करेंगे। तो कॉइल क्या हो जाते हैं, शॉर्ट होते कि ओपन होते? ओपन होते। क्या हो जाते हैं? थोड़ा सब लोग बोलो भाई। ओपन हो जाते हैं, चेक कर सकते सब लोग? चेक करना बनता है। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करेंगे नेक्स्ट? ये ट्रैक किधर जा रहा है चक्कर लेना। ठीक है, जो ये लाइन क्या बोलते हैं, 10 लाइन जो है, नाम MIDI, क्या बोलेंगे? MIPI लाइन्स। MIPI नहीं रहेगा, दूसरा नाम क्या रहेगा? सब लोग बोल, देख सकते ना, कंफ्यूज तो नहीं होते? चलो, कहाँ से आते हैं लाइन्स ये? CPU से आते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपने को इसका GR भी मालूम है कितना आना चाहिए, और वोल्टेज भी मालूम है। सब लोग चेक कर सकते हैं, चाहे कोई भी मॉडल हो जाए। ठीक है, कोई भी मॉडल हो जाए चेक कर सकते। चलो इसके बाद क्या देखेंगे? आईडी लाइन देखना है सर। कितने आईडी लाइन है इसमें? इसमें तीन लाइन है। तीन लाइन है, किसी में दो होंगे, किसी में एक होगी, किसी में कुछ भी नहीं होगी। मॉडल के हिसाब से कौन सा CPU यूज किया गया है, उसमें कौन सी IC यूज की गई है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा चिपसेट है, कौन सा प्रोसेसर है उसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी लाइन है? तीन लाइन है। कहाँ से आ रहा है इसमें? डिस्प्ले कनेक्टर से CPU को आ रहा है। CPU को आ रहा है, ये कैसे मालूम हुआ हमारे को CPU से आ रहे बोल के? कहाँ देखे अपन? डायग्राम में देखे। चलो ये तो हम देख लिए, अगर कल के दिन कोई भी मॉडल आ जाए, डायग्राम उसका अवेलेबल है, आप ये निकाल सकते हैं। सब लोग? हाँ भाई,
नहीं कन्फ्यूज तो नहीं होते क्या? हमेशा यहाँ ऊपर के तीन लाइन ही आईडी के होना जरूरी है क्या? किधर भी हो सकते है ना भाई, तो किधर इधर उन्हें दे दिया कन्फ्यूज करने के लिए, तुम पहचान सकते हैं? नहीं, हमेशा ऊपर के तीन लाइन ही देखेंगे क्या? वो कहाँ दिया, हम देख के पढ़ के देख सकते हैं ना, डायग्राम में रहता है, तो डायग्राम रीड करने सबको बन रहा है ना अभी? ठीक है चलो नेक्स्ट, और बताओ इसके अलावा। इसके बाद डिस्प्ले कनेक्टर से सीपीयू को टीएफ लाइन जाता है, ये 1.8 वोल्ट आता है। टीई लाइन, टीयरिंग इफेक्ट, ठीक है, जीरो ओम्स का, ठीक है। उसके बाद ग्रीन लाइन तो बता दिए, और अच्छा ये टीई लाइन से प्रॉब्लम क्या आता है सबको मालूम है? हाँ, कैसा बताना नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है देखे ना अपन, लाइव फोटो भी देखे आप कैसा हो जाता है डिस्प्ले हमारा, देखे क्या नहीं देखे? तो ऐसा प्रॉब्लम आए तो बना सकते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट लाइन कौन सी है भाई? उसके बाद एलसीडी आरएसटीएन रीसेट लाइन है, जो कि नेगेटिव सप्लाई है, ठीक है। कितना वोल्टेज आ रहा है? 1.8 वोल्ट। लाइन कहाँ से कनेक्टेड है? डिस्प्ले कनेक्टर टू ये सीपीयू, कहाँ तक है? सीपीयू से। ये लाइन मिस हो जाए तो रेड डिस्प्ले, ब्लू डिस्प्ले, व्हाइट डिस्प्ले और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है अपन अभी देखे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद और क्या लाइन से भाई? एलईडी 1.8 वोल्ट आता है सर। क्या नाम है उसका? वीआईओ। अच्छा वीआईओ नहीं रहेगा तो और क्या रहेगा? वीडीडी रहता है। वीडीडी कहाँ से आता है सबको मालूम है? कहाँ से? पावर आईसी से आता है, ठीक है। अच्छा ये कहाँ कैसे मालूम चला के पावर से आता है? डायग्राम से, सिंपल है ना भाई, ठीक है चलो। और उसके नीचे दो लाइन लास्ट, हाँ इसको ग्राफिक कनेक्टर को ग्राफिक आईसी से वोल्टेज आता है। दो सप्लाई आ रहे हैं, सप्लाई आ रहे। नाम बताओ उसका क्या है? बी प्लस, वहाँ ऊपर लिखे ना, हाँ डीएसआईएन डीएसआईपी। अच्छा वो नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? वीएसएन वीएसपी। बोलो भाई, सबको पता हो गया अभी, कन्फ्यूज तो नहीं हो जाते? कितना वोल्टेज बन रहा है वहाँ पे? पॉजिटिव 5 और कहाँ से बनता है? ग्राफिक आईसी। कौन सी हो सकती ग्राफिक आईसी? कितने बॉल की आएगी? अच्छा 15 बॉल नहीं आई तो कौन सा पावर? सेकेंडरी पावर, क्या बोलेंगे उसको? डीसी टू क्वालकॉम है तो पीएमआई पीएम एल, ठीक है। मीडियाटेक है तो एमटीके वाली आईसी, जो आपको बताया ग्राफिक के लिए, मतलब सिंपल भाषा में मालूम है। अगर ये 15 वोल्ट की नहीं रही तो कौन सी आईसी पे काम करना है पता है ना अपने को? जाके सीपीयू तो नहीं खोलते, पावर तो नहीं निकाल देते, ईएमसी तो नहीं खोलते? बोलो भाई, पता चल गया अभी। अच्छा कितना किस पे जीआर आता वो भी मालूम है, कन्फ्यूज तो नहीं हो जाते? हाँ ये कहीं पे देखे क्या आप लोग, इस पे ऐसा रहता है? अच्छा ये वाला ऐसा रहता है, देखे क्या कभी? नहीं सर, तो पावर मतलब अगर डिस्प्ले नहीं आया तो वोल्टेज वगैरह चेक कर लेते थे, उसके बाद में जो अगले जो आईसी थी उसको देख लेते थे। इतने लाइन के बारे में तो पता ही नहीं था। अच्छा इसमें से कोई एक लाइन भी मिस हो जाए तो काम करेगा क्या डिस्प्ले? तो ये सारा जो बनाए सब लोग बनाए क्या डाटा? थोड़ा बताओ भाई, थोड़ा बुक्स बताओ आपके। रात में कोई फेयर नोट बना के लाएगा? थोड़ा उठा के बताओ। ठीक है अच्छा बनाए, वेरी गुड, ठीक है वेरी गुड। आपका वही कहाँ है? अच्छा ये खाली कॉपी करेगा, समझ में भी आ रहा? नहीं समझ में आ रहा, एक एक लाइन के बारे में पूछ रहा हूँ मैं। एक्सप्लेन कर सकता हूँ? कर सकते पक्का? पक्का, क्योंकि आपको देख रहे हैं लोग आना, वो आके सीखना चाहेंगे या आपको मोबाइल भेजेंगे कोरियर से, बना सकते? बना सकते। वेरी गुड, बताओ भाई। ठीक है, आप लोग पीछे से बुक्स नहीं बता रहे, कॉपी तो नहीं कर लिए? कौन सी भी लाइन पूछूं किसी से भी बता सकते ना, जो भी सेक्शन पढ़ रहे डायग्राम बना रहे? ठीक है, एक बार अकबर के लिए जोरदार क्लैप कर दो भाई, थैंक यू वेरी मच अकबर। रात में जो फेयर नोट्स बनाए जरा सा बताओ, फेयर नोट्स कौन बना के लेके आए, जो कल लाइट के सबको बनाने बोला था या अभी तक? फेयर नोट्स, फेयर नोट्स हाँ भाई।